नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेयर बोल्सोनारो का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में फेडरल कोर्ट ने उन पर बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद बोल्सोनारो 2030 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब है कि वो अगले 7 साल राजनीति से दूर रहेंगे। कोर्ट ने उनके इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि पब्लिक ऑफिस से उन्हें बैन भी कर दिया गया है। आपको बता दें, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति पर सिर्फ एक आरोप नहीं है, उन पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने का भी आरोप है। पिछले साल अक्टूबर में हुए चुनाव में बोल्सोनारो अपने वामपंथी लुइज इनासियो से मामूली वोटों से हार गए थे। इसके बाद ही उन्होंने चुनाव परिणाम को पलटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही उन्होंने ब्राजील की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में गलत जानकारी फैलाई थी। इस बैठक को उन्होंने टीवी चैनल और यूट्यूब पर लाइव भी किया था। फिर बाद में यूट्यूब से इस वीडियो को हटा दिया गया था। उनके इस कारनामे के बारे में जब लोगों को पता चला तो 8 जनवरी को बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने ब्राजीलिया में सरकारी भवनों पर धावा बोल दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा तो 7 में से 5 जजों ने बोल्सोनारो को सत्ता के दुरुपयोग का दोषी पाया। 2 ने फैसले के खिलाफ वोट किया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद बोल्सोनारो के 2026 के चुनाव में भी वापसी की उम्मीद खत्म हो चुकी है। वहीं अदालत की कार्रवाई के बाद कानून मंत्री फ्लेवियो डिनो ने ट्वीट कर कहा कि सार्वजनिक कार्य करने के लिए झूठ बोलना सही नहीं। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स जंगल के कानून से नहीं चलती। लोकतंत्र ने दशकों में अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। कुल मिलाकर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति का करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि अब वो 7 से 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।